कुछ ही दिनों पहले की बात है जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारो भारत दौरे पर आए थे। हालांकि उनका यह भारत दौरा तो सफल नहीं रहा, लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय सरकार ने रशिया की कोविड 19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में अप्रूवल देने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन इसको लेकर भी रशिया ने भारतीय सरकार को एक और बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के इस्तेमाल की परमिशन तो दे दी है, लेकिन अभी भी इसमें भारत और रशिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा पेच फंसा हुआ है, जो कि इस रशियन वैक्सीन के रिजेक्शन का कारण भी बन सकता है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया के वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF दोनों के बीच भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्राइस यानी कीमत को लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है, जिस पर आम सहमति बनते नहीं दिखाई दे रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पुतनिक 5 वैक्सीन दुनिया भर में $10 पर डोज के हिसाब से बेची जाती है। उस हिसाब से स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दो डोजेस की कीमत $20 हुई, जो कि भारतीय करेंसी में ₹1500 के करीब होते हैं। अब क्योंकि भारतीय सरकार को पूरे देश में 135 करोड़ आबादी के बड़े हिस्से के लिए फ्री में वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है, इसलिए स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दो डोजेस के लिए ₹1500 चुकाना भारतीय सरकार को लाजमी नहीं लग रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करता है, वो भारतीय सरकार को $2 पर डोज की कीमत पर मिल रही है, और उसके दो डोजेस के लिए भारतीय सरकार को करीब $4 मात्र 280 से ₹300 खर्चने पड़ रहे हैं। इसलिए कहां रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 की ₹1500 कीमत और कहां ₹300 में कोविशील्ड के दोनों डोजेस आ रहे हैं। वहीं अगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी कीमत देखें तो वो भी भारतीय सरकार को बल्क में ₹206 पर डोज के हिसाब से मिल रही है, जो कि रशिया की वैक्सीन से काफी सस्ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो सेम प्राइस पर एक तरफ रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 से अगर एक व्यक्ति को डोजेस लगेंगे तो वहीं कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन से उसी कीमत पर 3 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। इसलिए भारतीय सरकार रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारत में उसके डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर रेड्डी लैब से स्पुतनिक 5 की कीमत को लेकर बड़ा डिस्काउंट चाहती है, मगर फिलहाल प्राइस नेगोशिएशंस पर दोनों पार्टीज के बीच आम सहमति बन पाते नहीं दिखाई दे रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल डिमिट्रीव ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के बराबर का प्राइस ऑफर कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्राइसेस हर जगह एस्ट्राजेनिका वैक्सीन से ज्यादा हैं और स्पुतनिक 5 वैक्सीन दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में मार्केट की जा रही है और हर देश में इसके प्राइस एग्जैक्टली सेम $10 के आसपास रखे गए हैं। डिमिट्रीव ने कहा कि वो भारतीय सरकार की बात समझ रहे हैं कि वो भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दो प्राइसेस सेट करना चाहती है, एक प्राइस प्राइवेट मार्केट के लिए और दूसरा प्राइस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन हम भी कोई ह्यूज रिटर्न्स नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि अपना कैपिटल रिटर्न ही चाहते हैं। मतलब कि वो भी ज्यादा कमाई का ना सोचते हुए बस वैक्सीन पर किए गए अपने निवेश पर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। वैसे अब देखना होगा कि भारतीय सरकार के आगे रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कब और कितने दिनों के अंदर घुटने टेकेगा, क्योंकि $10 पर डोज और ₹1500 दो डोजेस की कीमत पर तो भारतीय सरकार रशिया से स्पुतनिक 5 वैक्सीन कभी नहीं खरीदेगी। इसीलिए अगर रशिया को 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अपनी वैक्सीन बेचनी है तो फिर उसको भारत के लिए बाकी के 60 देशों से अलग कीमत पर ये वैक्सीन लानी होगी, वरना भारतीय सरकार के पास भी मार्केट में और कई विकल्प हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारो भारत दौरे के बाद सीधा पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां पर यह ऐलान किया था कि रशिया पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू कर देगा। इसलिए रशिया के इस ऐलान के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में अप्रूवल देना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।